पर तुहानू पता है हुण आ चलो मान लो सुखमनी साहब संत शरण जो जन पर है सो जन उधर नाल यह रोज पाठ करया करो बैठे सामने भाई तेजवंत रोज पाठ सुखमनी साहब का करया करो खालसा जी रोज उंज वैसे बोलन तो बिना सुरत नाल पाठ करो 25 मिनट च पाठ हो जाता है तो कई बार जिनी सुरत टिकी हो ना जिन्ना तुसी सुखमनी साहब का पाठ करोगे जिस दिन नहीं करोगे उदन सुत्या तो अंदर तुकां चलनगी क्योंकि पाठ जिहड़ा वह धुर अंदर चला जाता। मैं एक दिन बेनती की साढ़े प्रोफेसर पूरन सिंह होए आ बड़ी पुरानी गल है जी 1931 चो चलाना कर गए बाणी हूँ असं कई बार कहने बाणी कंठ नहीं होंगी उंज मैं कीर्तनिया भी सारियां कहना प्यारे हो प्लीज बाणी जरूर कंठ करया करो कंठ करन दा स्वाद ही वखरा है। सियाने कहिंदे सन पैसा गंठ ते बाणी कंठ सच्ची गल ये रब की कृपा है जिदे कोल जेब च पैसा जिते मर्जी जाए रहन नू थां मिल जनी खान नू मिलना है जिन्हों गुरबाणी कंठ होवेगी भावें सफर च होवे भावें काम च होवे जिथे मर्जी होवे जिन्हों बाणी कंठ उन्हें अपना नेम आप पूरा कर ही लैना बाणी कंठ ते पैसा गंठ कहिंदे सन। प्रोफेसर पूरन सिंह नू मैं पढ़िया पिछले दिन उहदा जीवन उहनां दी वाइफ सी उहदा नाम माया देवी सी उह देहरादून रहिंदे सन ते सुखमनी साहब घर वाली नू आवाज़ दिंदे ने मैं सुखमनी साहब घर लगा बड़ी हैरानगी वाली गल लगेगी वह पाठ करन ते पाठ करदिआं सुरत खिंडे फिर पिछा आ जाण घर वाली नू आवाज़ कहिंदे विच ही गुटका रख दिता रख के कहिंदे माया गल सुण अज रोटी नहीं पकनी घर अज पानी लिया चाह नहीं लियानी दुध नहीं लिया क्यों कह लगे ए अवैड़ा मन सुखमनी तो भजद मैं उठना ही ताई जदों सुखमनी साहब चेते हो जाए सवेरे बैठा शाम नू 9 बजे आवाज मार के कहिंदा माया आ पकड़ गुटका सुन केड़ी अष्टपदी का पाठ सुनना है उस बंदे ने 10 घंटिया सुखमनी साहब चेते कर लिया। अगली गल उन्हें कही कहिंदा प्यारे एक कमाई नहीं जिन्नी सुरत गुरु अंदरों शुद्ध करेगा उन्नी एकाग्रता आएगी जिन्नी एकाग्रता में बाणी पढ़ोगे बाणी कंठ हो जाएगी। मैं आप जी ने बेनती करा कि हुण यह समस्या ने हुण आ सुखमनी साहब है कि इन्हां महाराज ने कहा संत की निंदा करने वाले का बेड़ा ही गर्क कर दिता असलियत है ना मैं पंजाबी शब्द वरत्या बेड़ा गर्क ही ना संत कै दुख न आरजा कट है जा संत का दोखी ऊं बिल लाए ज्यों जल बिहून मछली तड़बड़ाए संत का दोखी भूखा नहीं राजा ज्यों पावक इंदन नहीं तरापे हुण आपां नूं कोई टक्कर जे आपां थां थां निंदने महाराज ने कृपा कीती प्यारे हो आई जे साडे मन च आएगा तां नैगेटिव बोली के भी महाराज साडी सुरत विच मैल भर नहीं देणगे। महाराज दा एक शब्द मैं पढ़ रहा सां कि कहा सवान को सिमरत सुनाए कह साकत पै हर गुण गाए ये अर्थ कबीर जी का शब्द है कहने साकत बंदे नू बाणी सुनाना ते कुत्ते नू मंत्र सुनाना इको जी गल है अर्थ ये ने कहा सवान को सिमरत सुनाए कह साकत पै हर गुण गाए राम राम रमे रम रईए साकत स्यों भूल ने कही है कौआ कहा कपूर चराए कह बिशियर को दूध पियाए कां नू मश कपूर दे दियो गंदगी चुंझ मारनी बंद कर देगा। महाराज कह रहे हैं ते सप नू दुध पिया दे उहने अमृत नहीं देना मेरे मन च भी इनिया झिड़का अखीर ते कबीर जी कहिंदे साकत सवान सब करे कराया रब जी मैं कह ते दिता बनाए तो तेरी ने ना उत्थे सुरत नू मैलिया नहीं खोण दिता। मैं आप जी नू जिहड़ी बेनती कर लगा हुण ये दुख तो आ गया इहदा इलाज की है ये दुख भंजन किवें होवेगा इहदे अर्थ सीधे ने दुख भंजन तेरा नाम जी। महाराज ने बड़े सोहने बचन कहे ये चार दुख दस के अगले शब्द विच कहा कि दुख रब दी दात है। सुनियो अज तक भाई साहब बैठे हा मैं किसी भी धर्म च यह नहीं पढ़िया ग्रंथ च जिन्नी कु समझ पई किसी ने दुख नूं क्या होवे दात हुंदी है दुख नूं कहिंदे लोक करोपी होगी रब दी जन्म नूं दात कहिंदे आ मौत नूं रब दी सजा कहिंदे आ लोक सिर्फ दुनिया विच इक रब मेरा गुरु नानक साहिब कहे जिहड़ा रब नूं किसे भी हालत विच जो कुछ भी वापरे कदी उलांभे नहीं देंदा वह दुख नूं भी दात कहिंदा ते सुख नूं भी दात कहिंदा। यह शलोक यह पौड़ी का बचन जपजी साहिब दा केतियां दुख भूख
सदमार क्रोपी थोड़ा लिखे अगे ए पे दात ए पौड़ी शुरू होंगी बहुता कर्म लिखिया ना इत करम दर्थ बख्शिश के वड्डा दाता तिल ना तमाए परमात्मा तेरिया एनिया बख्शा ने असी लिख नहीं सकते ते वड्डे दातिया तू बख्श दे के तिल जिन्ना भी लालच नहीं करता मेनू बै की दोगे वड्डा दाता तिल ना तमाए फिर अगे क्या की मंगने केते मंगे जोद पार केत्या गंत नहीं विचार केते खब टुटे वेका ओ गुरमुखो वकारा नु भी दात कह दिता बाबा जी ने केते खब टुटे विकार केते लैला मुकर पाए केते मूर्ख आई खाए प्यारो आ शिखर जे सिखी दी सुरदा केत्या दुख भूख सदमार ए पे दात तेरी दातार ए दात क्यों क्या दुख समाप्ति मैं कर लगा दुख बाबा जी ने कहा जहर दी तरह है दुख पॉइजन है दुख मोहरा है थोड़ा है पिंकी भी रुक जाओ मैं समाप्ति कर ली दुख मोहरा है दुख जहर है मैं बेनती करा सप सीधा डंग मारे लोग मर जाते हैं पर जेडे दवाइया बनाते हैं ना ये लखा रुपया का सप का जहर खरीदते हैं जहरीले तो जहरीला सप कहने का जहर मिल जाए आ जड़ा मोहरा है जिन्हों असी संखिया कहने खाने बंदा मर जाता है पंसारी वाले की दुकान से पुछो डब्बे भर के रखिया कौन है संखिया सची मुची दुख जहर है दुख संखिया है दुख मोहरा है जे किसे चंगे वैद नू संखिया जहर मिल जाए वह जड़िया बूटिया का मसाला पा के उस जहर नू दवाई बना देंदा है जेड़ा सप का जहर बंदे नू मारदा है दांत बन जाता है जदों मसाला पै के दवाई बनता है मरदियां नू बचा जाता है बाबा जी ने कहा दुख एक जहर है इहदे विच नाम का मसाला पा दे जदों दुख आवे जिन्ना रज के नाम जपेगा दुख तेरे लिए दवाई बन जाएगा ते जदों दुख मन लो आया बच्चा बीमार हो गया कोई दुख आया असीं कहने मैं ना जी ए उस दिन तो पाठ शुरू किया इन्ने दिन हो गए ने हुण मैं कदी पाठ छड्डी नहीं उस दिन दुख भैड़ा लगता सी सालां तो बाद जदों बाणी नाल प्यार बन जांदा है असीं कहने रब्बा जे ये दुख ना आया हुंदा सी पाठ कित्ते करना सी कहने ना जी कि वह दात नहीं बन गया महाराज का शब्द है दुख मोहरा दुख भंजन तेरा नाम जी दुख मोहरा मारन हर नाम मारन का लफ्जी अर्थ इत्थे मसाला है मसाला पा दे नाम दा दुख मोहरा मारन हर नाम सिला संतोख संतोख दी बिरती दी सिला पत्थर जिते पींदे ने पीसन हथ दान उपर वाला पत्थर बना दान पुन भी करिया कर महाराज कहिंदे पीसन आ दान नित नित लोगो ना छीजै दे अंत काल जब मारै ठे ऐसा दारू खाए गवार जित खादे तेरे जाए विकार जे नाम नाल आ जा प्यारियो दो कटिया जांदा है तुसी वाहगुरु कहो तुसी गुरु तेग बहादुर कहो मैं बिल्कुल इस कट्टरता दे बरखिलाफ हाँ तुसी धन गुरु हरकृष्ण साहब कहो ये सारे नाम विच आ जांदे आ जिहड़ा गुरु नूं चेते करदा है दुख वेले सचमुच गुरु दुख नूं दात बना के आत्मक सुख दे दिंदा गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जिन्हां दे दर ते अज भी संगत नवाजी जांदी है मैं सवेरे भी कहा एक कला बंगला नहीं सी मैं ते कहा मैनूं दस्सिओ औरंगजेब कित्थे रहिंदा सी मैं दो खुलदा बाद भाई साहब दो चार मिनट तुहाडे लै लै खुलदा बाद दे कबर औरंगजेब दी तो अच्छा मैं नहीं उहदे नाल खुलदा बाद है औरंगाबाद तो दूर मैं वेखण गया इक्को वारी वेखी इक्को वारी मैं ताजमहल वेख्या इक्को वारी मैं कबर जी ए थोड़ा जिहा मार्बल लग्गा उत्तों कच्ची ते जदों उस कबर नूं मैं देखिया सच्ची मिच मैनूं शीशगंज चेते आ गया मैं कहा एक ओ चौंक सी जिस चौंक विच इस बादशाह दे कहे नाल नौवें गुरदेव दा सीस चौंक विच पिया सी प्या सी ना जी भाई जैता जी ने चुकिया धड़ महाराज का प्यार है इत्थे मैं कहा जी वेखो रब की खेड औरंग उदन मीह पै पिया ते कबर ते जिहड़ी मिट्टी सी उहदा गारा घुल घुल के चार चवेरे चिक्कड़ मैं कहा इत्थे मिट्टी पई है किसे ने चुकनी नहीं गुरु तेग बहादुर दे चरण दरबार च मिट्टी जिग पै ते संगत चो चो के मत्थे ते लांदी बस यही फर्क है मैं उत्थे इक शेर कहा सी जिहड़े सज्जन मेरे नाल गए मैं क्या बरसों रहा जिनके सर पे छतरे जरी
जिन्हां दे सिर ते कई कई साल सोने दे छत्र झुलदे सन, तुरबत पे उनकी ना शामियाना देखा। अज उन्हां दी कबर ते बरसात वेले कोई तंबू लाण नूं तैयार नहीं, जिहदा धड़ चरस्ते च पिया सी, देखांगे कौन चुकदा है। उहदे धड़ वाली थां ते सोने दे छत्र पे झुलदे। मेरी बेनती है आस्था नूं कायम रखिए। महाराज ने दो तुकां दोनां गुरु साहिबानां नूं दित्तियां, छे छे गुरु साहिबानां दा नां इक इक तुक दित्ता। फिर अंगद गुर ते अमरदास एक तुक च तीन नां ने, अर्जन हर गोबिंद नूं सिमरो, छे पातशाहां नूं दो तुकां, आ दो पातशाहां नूं दो दो तुकां, एक तुक दित्ती श्री हर कृष्ण तिहाईऐ। ये क्यों क्या तिहाईऐ ते डिठे? क्योंकि तारकक ने कहना सी दुख तां उहनां दे कटीचन के जिन्ना वेख्या, असां तां वेखे ही नहीं। वह तो 1664 नूं चलाना कर गए। महाराज कहिंदे आ चलाने तो बाद विच जी धन गुरु हर कृष्ण साहब कहोगे तुहाडे दो कट्टे जाणगे। तिहाईऐ इसे करके गुरु तेग बहादुर साहब जी लिखिया, तेग बहादुर सिमरिए घर नौ निद आवै ताए। उत्थे उहनां नूं कहा भी दुख डिठे दुख जाए। इत्थे पता ही क्या, कलियां खजाने नहीं मिलते सब थाई, जिथे कोई भी ना खलोवे उत्थे गुरु तेग बहादुर खलोंदा। इस तरह है ना जी। मक्खन शाह कहिंदा डुब गए, गुरु तेग बहादुर कहिंदा डुबदा नहीं तू याद रखी माया। पंडित कृपा राद कहिंदा साडा धर्म खत्म, गुरु कहिंदा सिर दा ला के मैं अपना चप्पू मैं इनू किनारे ते ला देवां। गुरु तेग बहादुर साहब कृपा करन।